ऐसे ही करती रहती है। अरे यार बाल तो काट रहा है बबोरी। शेर पनाका सुख रखा आप होगे ना, बहुत ज्यादा ही आप कर रहे हैं ना, आपको भगा भगा के आज नहीं ठीक करना मेरे मत ना, क्यों मेरे बालों के पीछे पड़े हैं यार, मैं तो सही है। के बाद अगर आपने मुझे छुआ ना तो आप देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों उतार के बैठी हो? अभी इतनी गर्मी आ रही है और मैं अपने बेटे आयु के लिए ना एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन 2-in-1 सर्च कर रही हूँ यार। मम्मा आपको फॉलो करती हो? हाँ, क्योंकि उसके सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं तो वो तो बेस्ट है। तो मिस क्यों किया? सबसे बेस्ट आया है गाइस मम्मा अर्थ का रिच मॉइस्चराइजर अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन आया है जो की काफी लाइट वेट है, काफी लाइट वेटेड है और ये वाटर रेसिस्टेंट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, प्लस ये 0-10 years के बच्चों के लिए हम यूज कर सकते हैं, प्लस SPF 50 PA++++ है और प्लस ये बना है कैनेडुला और जिंक ऑक्साइड से। तो चलो फिर मैं मेरे बेटे के ऊपर लेट नहीं करूंगी, जल्दी से अप्लाई करती हूँ, लगा के दिखाती हूँ। पहले मैं अपने बेटे को लेके आऊँ। सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम UVA एंड UV रेज, नो वाइट कास्ट। सो इसमें है कैनेडुला एक्सट्रैक्ट्स जो मॉइस्चराइज और सूट्स करता है बेबी स्किन को, और जिंक ऑक्साइड रिफ्लेक्ट्स हार्मफुल UVA एंड UVB रेज। दिस वाटर रेजिस्टेंस फॉर अप टू 2 hours, लाइट वेटेड एंड मॉइस्चराइजर, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, मेड सेफ सर्टिफाइड। तो मम्मा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं और मम्मा अर्थ का एम्स है 2025 तक 1 million ट्री लगाने का, तो बहुत ही बढ़िया बात है। सबसे अच्छी बात है क्योंकि नेचुरल होना चाहिए। एग्जैक्टली। और इसकी जो प्रोडक्ट्स है ये आपको इजीली अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल और बेबी प्रोडक्ट्स के लिए फर्स्ट क्रैप पे आप इजीली परचेस कर सकते हैं और मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको ऑफलाइन भी इजीली मिल जाएंगे। मम्मा अर्थ के स्टोर्स भी हैं, वहां से भी जाके ले सकते हैं। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो KDV2024 तो यहाँ आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए और परचेज कीजिएगा। गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। शाम का टाइम है, अभी हम थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, आयु भी रेडी हो गया है, लेके जा रहा है अपना बाल झाड़ने वाला। सो गाइस आज का प्लान ऐसा है कि थोड़ी मस्ती करनी है हमें, तो चलता हूँ कोमल के बाल बिल खींचूंगा, थोड़ा उसको इरिटेट करूंगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो ये ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है गाइस, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वॉच करिएगा। तो चलो चलते हैं। तुम तैयार हो गई? तो तैयार होके देखो बैठी है। बैठी नहीं हूं मैं, बस आई हूं ना। ये देखो बाल कैसे एकदम एकदम झारी, एकदम ऐसे लग रहा है कि आयु को ना आज। तो अभी गाइस अभी भी हमारा मंदिर बंद है क्योंकि खरवास है, पता नहीं कब उतरेगा। नवरात्रि का पंडित पूछ, नवरात्रि 9 तारीख से शुरू हो रहा है तो कर सकते हैं। ये बाल देखिए आगे एकदम आ गया है ऐसे करके, एकदम इसको काट ऐसा लटका हुआ है, ऐसे जैसे ऐसे दाढ़ी जैसा जा रहा है। गजब बेइज्जती है यार, चुप रहो। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हेयर स्टाइल मेरा, अच्छा लग रहा है, इसका जेल बनाऊंगी। अच्छा लगेगा आयु, आयु को आज ना कल से थोड़ा बुखार नॉर्मल लेवल पे आ जाए, जल्द आ ही गया है और थोड़ा कल तक आ जाए अपना एकदम चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं इतना सोचने का, कहते ना पॉजिटिव रहने का, तो पॉजिटिव चीजें होती हैं हमारे साथ, ठीक है। ये बाबा बाल सही है तेरे, हां अच्छे नजर मत लगाओ मेरे बालों को, थुकथुका दिया मैंने। तो गाइस पैसा ले लेता हूं, पैसे मेरे को दे दो ना। देखो मेरा पर्स, अरे ले लो सारे ले लो, 100 रुपया तो छोड़ दे, 100 ही लेती हूँ, ठीक है। पर्स इधर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो बहुत बीमार लग रही हो क्या? मैं तो मैं भी अपना पूछ रही हूं, एक तो मैं भी अपना पूछ रही हूं। दिमाग लगाते हैं कि जितना काम हो उतना ही पैसा लेके चले बाहर, नहीं तो फिर बाहर पैसा ज्यादा तो रहने का। इधर भी ज्यादा लेके जाऊंगा तो ये डिमांड कर देगी मेरे को ये चाहिए। तो ये मेरा ना ये पेट दुख रहा है फैमिली, किसका मेरा पेट भी एसिडिटी टाइप लग रहा है, मैंने डॉम पेन भी लिया और ये मेरी बिंदी कहाँ गई, मेरी बिंदी गिर गई, बिंदी ले आओ ना। मैं लेके आऊं, लेके आओ डॉम पेन लिया, अभी डाइजिन खा रही हूँ मैं, अभी नीचे जा रहे रात का टाइम है, शूज पहन लो। बिंदी मेरी गिर गई, कैसे मुझे ये सेट करना है, सिर्फ साफ करके रखी हूँ लेकिन सेट नहीं कर पाई हूँ, पता नहीं कब सेट करूंगी। मोहब्बत है तुमसे
इसमें दिख नहीं रहा है, दिख रहा है अच्छा लग रही है। मेरे को आईब्रो करवाना है, आईब्रो नहीं करवाया, ये सब चक्कर में ना इनके, और आज ये सब धुला नहीं, सब सूख गया है। ला मेरे पास कैंची है, कैंची से और ऐसे करके शेप दे देता हूं। हाँ बहुत दिमाग मत लगाओ अपना, ऐसे, 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 ऐसे। नहीं रहने दो, आप मेरा सब खराब कर देंगे। चल चले, कहते हैं कि क्या इसके ना यहाँ मोच है हल्की हल्की। हो गया, चलो फालतू की बातें बहुत करते हैं और इनके पास कोई काम नहीं है। बॉटल नहीं, बॉटल इधर ही रहेगा बेटा। चल गए फैमिली हम लोग। आगे दो मिनट में डीमार्ट। A few moments later. हम घर पे आ चुके हैं और अभी खाना लगने जा रहा है क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी है। और ये बेडरूम में आ गए हैं तो ये कुछ रख, ये तो सही से रखो यार। रख रही है, आपने जो धुले है ना ऐसे ही करती रहती है। अरे यार बाल क्यों काटते हो? ये सब सही से तो रखो यार, ऐसे ही पूरा रखती है। अरे अभी पैसेज पे से बालकनी में से कपड़े निकाले जो सूख गए थे तो अभी बस उसको यही फोल्ड कर लूं। गाइस अभी कैसा था, ये पूरा इसे रखी है। मैं सोच रहा हूँ अभी मैट्रेस लाने वाले हैं तो मैट्रेस हम ऑर्डर करेंगे क्योंकि अभी हम लोग जो सो रहे हैं वो चटाई है एंड ये वाला गालीचा है, इसके ऊपर वो डालते हैं। हमारा जो गद्दा है वो पुराने घर पे है बट मैं सोच रहा हूँ कि क्या नाम है, मैट्रेस आ जाएगा तो बेटर होगा, इसकी मतलब अच्छा लुक आएगा और सोने में भी कम्फर्टेबल रहेगा। बट ये मैडम अगर ऐसे ही रखेंगी तो मेरे हिसाब से फिर ऐसे ही सोते तो सही रहता है। मतलब अपने बालों का ध्यान जरूर दोगी लेकिन ये चीज नहीं करोगी। मैं खींचू तो आपकी जुल्फी देख रही हूं, कैसे बुटॉक्स निकल आ जाएगा पूरा, समझे क्या? मेरा इतना अच्छा हेयर है, तुम्हारे जैसा नहीं है। तो ये सब हटाओ फटाफट, फटाफट हटाओ ताकि हम लोग बाकी छुआ मत करो, समझे? बबोरी, अरे क्या लुक है यार, वाह। कंट्रोल कंट्रोल, आप हमेशा क्या मेरा बाल का काम करते हो यार? मैं नहीं खाना खिलाऊंगी आपको। एक नंबर लुक है गाइस, एक नंबर लुक। ऐसा कोई रखता है क्या? अच्छी लग रही है लेकिन तू जैसे शूर्पणखा सुख रखा आप होगे। मैं आपको खाना खिलाऊंगी और इनको नहीं दूंगी खाना। नहीं मेरे को भी खाना चाहिए ना। मेरा बाल खराब क्यों कर दिए? इतनी बड़ी क्लिप है, आज मैं इनको बोली एक छोटा सा क्लिप ले लो, बहुत ज्यादा ही आप कर रहे हैं ना, आपको भगा भगा के आज नहीं क्लिप करना। मैंने डंडा की दर, इधर डंडा नहीं है सीरियसली, मैं ये पर्दे का उठा के डंडे से आपको मारूंगी, समझे क्या? अरे तू लाइव में बोल रही है, तू मुझे मारने की बात? हाँ ये मेरे को मारने की बात, और आप लाइव वीडियो में मेरा बाल खींच रहे हो। बाल खींच रहा हूँ मारने की बात, संस्कारी तो दिखती है, सब बोलेंगे अरे ऐसे नहीं, ये तो हिडिंबा की माँ है। आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? मेरे बाल की उंगलियां देखो क्या कर दी है, और हंसी आ रही है आपको, ये ऐसे लुक अच्छा लगता है क्या? बट प्यारी लग रही है। गाइस कमेंट करके बताना इस लुक में अच्छी लग रही है कि नहीं। हाँ बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं, इस लुक में नहीं सही लग रहा। आके जुल्फे अपनी कटवा के आए। अरे मत ना, क्यों मेरे बालों के पीछे पड़े हैं यार, मैं तो सही ज्यादा जल खींच दिया, तुम मना लेते, देखो एक्टिंग कर रही है, देखो एक्टिंग करती है। नहीं मैं देख रही थी आप लोग का रिएक्शन क्या, लेकिन आप लोग मेरे पास बिल्कुल भी नहीं। गाइस आप लोगों को लगा कि सच में ज्यादा जोर से खींच दिया है बाल मैंने? खींचा है आपने जोर से बाल, समझे क्या? लेकिन मैं देख रही थी आप लोग मेरे को मनाने, आप मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करते, मैं इतना जान चुकी हूं अपना। तो आगे क्या, मैं प्यार नहीं करता, चलो तो आगे क्या? खाना नहीं
हक मिलेगा। चलो तो यही होना चाहिए। लो अपना ये पकड़ो, ये इनका क्लिच है। क्लिच क्या है? क्लिच वो भी टूट गया है। देखो देखो फैमिली, ये भी टूट गया। ये मेरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि कोई चीज खरीदे। तो कहाँ टूटा? ये वाला टूट गया गाइस। ये नहीं, ये वाला ये वाला पोर्शन टूट गया क्योंकि ये ऐसे ऐसे दांतों में डाल के कर रही थी। तो इसके लिए मैं ये सब करती हूँ और आप बिल्कुल प्यार नहीं करते, मेरे पे ध्यान ही नहीं देते। उनको कोई पड़ी नहीं है। मेरे आंखों में आंसू आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए आंखों से। आंखों से बाढ़ कब आने लगी भैया? तुम कोई देवी देवता हो क्या कि आंखों से? बात मत करो यार, मैं देख रही हूँ आपका कितना प्यार है। आप ऐसे कोई प्यार नहीं करते हो। चलो जान दो, नहीं प्यार करता। चलो गाइस, तो चलो फटाफट खाना लगाओ, फिर खाना खाते हैं। खाना मेरे को चाहिए, तुम्हारा फर्ज है, तुमको खाना खिलाना पड़ेगा। और आपके क्या फर्ज है? बाल लोचने का? मैं तो प्यार कर रहा था। बाल मत, मेरे को चुभ नहीं, मेरे को नहीं, अब चिड़ावड़ा हटो, मेरा दिमाग खराब है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे बालों को नहीं छूऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हारे केश छूऊंगा, केश। केश अच्छे है ना? टन टन डन 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 डन। ये जैसे हॉरर मूवी, ऐसा लग रहा था गाइस, हॉरर मूवी का सीन चल रहा है एकदम। हट जाना मेरी आंखों से। लगता है गाइस कोई हॉरर मूवी बनाए ना, तो मैं इसको रोल दूंगा, बोलूंगा भाई तू ये रोल के लिए परफेक्ट है, तू जा। ये देखो और एक दांत तोड़ दिए। आप ना मेरा सब सामान खराब कर देते हैं। आप ना हट जाओ, मेरे कोई सामान मत छुआ करो, मुझे ही मत छुआ करो, समझे? बहुत जोरों की भूख लगी। आज के बाद अगर आपने मुझे छुआ ना तो आप देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरा क्लिप फिर तोड़ दिया यार। ये देखो एक बच्चा कुछ है, इसका भी दांत सारे तोड़ दो। फिर मेरे पास यहाँ कुछ है ही नहीं कि मैं क्लिप टाई कर सकूं मेरे बालों को। बोलते साले छुप, तोड़ दो साले, कौन है साले? भी सारे सब छोड़ दो, मुझे लग रहा साले सब तोड़ दो। सारे बोली ना, सारे सब तोड़ दो क्लिप। सारे भी यूपी में सारे बोलते साले को, सब सब बोलो गाइस। तो कमेंट करके बताना जो यूपी से है, साले सारे सारे भी बोलते हैं ना? सार बोलते हैं वो। सार नहीं, सार बोलते हैं। आपको कुछ नॉलेज उलेज है नहीं, कुछ भी बात का। तो गाइस कमेंट करके बताना अगर सच में साले सारे सार। चलो अभी एक टॉपिक को लेके बराबर खींचेंगे और मेरा जो ये इन्होंने हाल किया है उसको ये ध्यान नहीं देंगे। अगर मैं कुछ बोल दे रही तो गलत हो जाएगी। चलो गाइस तो फिर खाना खाते हैं, नहीं तो ये सिर्फ झगड़ालू है। मैंने ना झगड़ालू देखो कैसे मारने आती है, मारने आती है। सब लोग वीडियो में ध्यान से देखो, मारने आती है ताकि अगर घर को कुछ हुआ तो आप लोग मेरे तरफ से खड़े रह सको। ये तो चलो गाइस, चलो खाना खाते हैं। और क्यों बाहर खींचते हैं यार? इसी को बोलते हैं प्यार। नहीं चाहिए ऐसा प्यार मुझे, हटो। तो चलो गाइस ये थी हमारी आज की नोक झोंक, थोड़ा सा मस्ती, क्योंकि आप लोगों को चाहिए था कि मैं भाभी को थोड़ा छेड़ू। तो आज मैं भाभी को अच्छे से थोड़ा सा बाल से किया ही है ऐसे। नेक्स्ट अलग वीडियो में और तरीके से मस्ती करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना गाइस ध्यान रखिएगा, सपोर्ट करिए। हमारे शॉर्ट जा रहे हैं, ब्लॉग जा रहे हैं, हमारा फेसबुक चैनल आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर लीजिए, कोमल डे ऑफिशियल, दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए है। और यूट्यूब तो है ही हमारा, तो फटाफट सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़िए, हमारी फैमिली बनिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय। तोहरा में बसे नानी हमरो पर नवा।